हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने स्ट्रिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 19 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 392 इजी मार्क्ड है और काफ़ी इजी है भी, बट इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा है, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन का नाम है इज ए सब सीक्वेंस। अमेजन ने पूछा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपको दो स्ट्रिंग दे रखा है एस एंड टी, ठीक है। रिटर्न ट्रू इफ एस इज अ सबसीक्वेंस ऑफ टी और फॉल्स अदरवाइज। यहाँ पर सबसीक्वेंस का डिफिनेशन बता रखा है, तो इसका मतलब काफ़ी सिंपल है। हमें बस ये देखना है कि क्या ये एस प्रेजेंट है इस टी में इन द फॉर्म ऑफ सबसीक्वेंस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी साथ में होगा, यहाँ पर गैप भी हो सकता है। जैसे देखो, यहाँ पर ए है ना, तो मुझे यहाँ पर ए एक मिल गया, यहाँ बी है मुझे बी मिल गया, यहाँ सी है मुझे सी मिल गया। तो देखो, ए बी सी साथ में नहीं है बट प्रेजेंट है, मतलब सब सीक्वेंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एस जो है ना इज अ सब सीक्वेंस इन टी। ये पूरा मिल गया मुझे टी पर, हमें बस यही पता करना है। तो काफ़ी सिंपल सा सोल्यूशन है इसका, देखा जाए तो क्या सोल्यूशन हो सकता है। देखो बहुत सिंपल है, मैंने आई यहाँ से स्टार्ट किया, जे यहाँ से स्टार्ट किया, दोनों का लेंथ मैं लिख लेता हूँ, m इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ और n इज इक्वल टू टी डॉट लेंथ, ठीक है। मैं i यहाँ से स्टार्ट किया, j यहाँ से स्टार्ट किया। तो देखो, s में s के ith करेक्टर क्या है, a है। क्या t का भी ith करेक्टर a है? यस है, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैच कर दिया हमने दोनों को, ठीक है। तो i भी आगे बढ़ जाएगा और j तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। b एस के जे आई करेक्टर में बी है, क्या टी का जे करेक्टर बी है? नहीं है, तो जे को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एस का आई करेक्टर बी है, जे का भी बी जे करेक्टर, टी का जे करेक्टर बी है, तो मैच कर गया ना, तो आई यहाँ पर आगे बढ़ गया क्योंकि इसका बी भी मिल गया है, ठीक है। जे यहाँ पर आगे बढ़ेगा, ये सी है ये जी है, मैच नहीं किया तो आई वहीं पर रहेगा लेकिन जे बढ़ जाएगा। ये डी है और ये सी है, मैच नहीं किया, आई वहीं रहेगा, जे यहाँ बढ़ जाएगा। ये सी है, सी है मैच कर गया, देखो जे बाहर आ गया, आई भी बाहर आ गया, तो ऑब्वियस मेरा वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे पता है बस क्या चेक करना है, कि क्या मैंने सारे लेटर्स ढूंढ लिए। तो सारे लेटर्स ढूंढने का मतलब क्या हुआ कि आई जो है ना बराबर हो जाएगा एम के, क्योंकि देखो ये जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये बाद में थर्ड है। एम का लेंथ क्या है? तीन है ना, तो आई थ्री तक पहुँच जाएगा, मतलब आई बाहर आ गया, मतलब हमने सारे कैरेक्टर्स ढूंढ लिए, ठीक है। तो देखा जाए तो बहुत सिंपल इसका कोड होगा। मैं आई ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और जे ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और कब तक चलाऊँगा? जब तक आई लेस देन एम ना हो एंड एंड जे लेस देन एन ना हो, तब तक चलता रहेगा ये। और जैसे ही मैं ढूंढ लूँगा कि एस ऑफ आई इज़ इक्वल टू टी ऑफ जे, तो मैं क्या करूँगा, आई को आगे बढ़ा दूँगा क्योंकि मुझे एस का एक कैरेक्टर मिल चुका है, ठीक है। और जे तो हर बार बढ़ेगा, राइट, जे हर बार बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इस वाइल लूप से निकलूँगा, मेरा काम क्या है, मुझे बस ये चेक करना है कि अगर आई जो है आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब मैंने एस के सारे करेक्टर्स देख लिए, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा कि सही में हमें सारे करेक्टर एस के मिल गए थे टी में, तो रिटर्न यहाँ पर ट्रू कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? तो ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, यहाँ पर ध्यान दो, आई यहाँ से स्टार्ट होगा, जे यहाँ से स्टार्ट होगा, क्या दोनों बराबर है? यस, ये दोनों बराबर निकल गया, तो आई आगे बढ़ जाएगा, राइट, जे तो आगे बढ़ ही रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक्स और एच बराबर नहीं है, तो आई तो वही रहेगा क्योंकि मिला नहीं है अभी तक एक्स हमें, तो जे आगे बढ़ गया। एक्स और बी बराबर नहीं है, जे आगे बढ़ गया। एक्स और जी बराबर नहीं है, ये एक्स और सी बराबर नहीं है, जे आगे बढ़ गया, जे बाहर निकल गया, तो हमारा वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा, राइट, क्योंकि हमें वाइल लूप कब तक चलना था, जब तक आई लेस देन एम हो एंड एंड जे लेस देन एन हो, ठीक है। तो एंड है ना, तो ये तो बाहर निकल गया, तो वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा। अब वाइल लूप ब्रेक कर गया तो मैं क्या चेक करता था, कि क्या आई इज़ इक्वल टू एम पहुँचा है? नहीं पहुँचा, देखो आई तो इधर ही अटक गया फर्स्ट इंडेक्स पर, ठीक है। तो मैं ऐसा तो पहुँचा नहीं है, तो इस केस में रिटर्न ट्रू करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स करेंगे क्योंकि हमें सारे कैरेक्टर्स इसके नहीं मिले। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल सा अप्रोच है, ठीक है। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितना सिंपल है, ये देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या होगा, इधर ध्यान दो। हम वर्स्ट केस में क्या करेंगे,
जो सबसे बड़ा मतलब पूरे कैरेक्टर पे इटरेट कर रहे हैं ना, पूरे कैरेक्टर पे इटरेट कर रहे हैं। तो देखो वर्स्ट केस में क्या होगा कि देखो इस एग्जांपल को देखो, हमने इसके भी सारे कैरेक्टर पर ट्रैवर्स किया था और इसके भी सारे कैरेक्टर पर ट्रैवर्स किया था, है ना। इसका लेंथ अगर m है, इसका n है, तो O ऑफ m प्लस n मतलब सारे कैरेक्टर पर हमने ट्रैवर्स किया है वर्स्ट केस में, ठीक है। इसीलिए ये लीनियर अप्रोच है ना, ये लीनियर अप्रोच है। तो सबसे पहले इसको कोड करके फिनिश करते हैं, फिर आते हैं अपने फॉलोअप क्वेश्चन पे। तो चलो सबसे पहले अपने सिंपल अप्रोच से कर लेते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं, s डॉट लेंथ, और t का लेंथ निकाल लेते हैं, t डॉट लेंथ, ठीक है। दो वेरिएबल लिए था, i इज इक्वल टू जीरो एंड j इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। y i इज लेस देन m एंड j इज लेस देन n, तब तक ये while लूप चलता रहेगा, ठीक है। इफ़ s ऑफ i इज इक्वल टू t ऑफ j हुआ, तब हम क्या करेंगे, वैसे केस में i प्लस प्लस कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वी हैव फाउंड ith कैरेक्टर ऑफ s इन t, ठीक है, और j प्लस प्लस तो करते ही रहेंगे। लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है कि i जो है वो m के बराबर हो के हुआ कि नहीं, मतलब वी फाउंड ऑल कैर्स ऑफ s इन t, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद हम इसके फॉलोअप में आ जाएंगे, इंडीड येस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉलोअप पे देखो, फॉलोअप ज़्यादा कुछ है नहीं, फॉलोअप में बस इतना पूछा है कि सपोज करो कि जो s जो दे रहा है ना, जैसे यहाँ पर देखो सिर्फ एक s है, राइट, सिर्फ एक ही s है, उसको हमें देखना कि वो t में प्रेजेंट है कि नहीं। बट ये बोलता है कि मान लेते हैं फ्यूचर में बहुत सारे s आपको दे दिए जाएँ, s1, s2, आप हर के लिए ये वाले एल्गोरिदम चलाओगे, आप हर s के लिए ये वाला चलाओगे ना, बार बार आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू वॉन्ट टू चेक, बट मान लेते हैं वो बहुत सारे s हो गए, एंड यू वॉन्ट टू चेक वन बाई वन टू सी इफ t हैज़ इट्स सब सीक्वेंस, है ना। तो जितने ऐसा आएंगे सबके लिए आपको ये चलाना पड़ेगा। इन दिस सिनारियो हाउ वुड यू चेंज योर कोड, ठीक है। तो इससे क्या, इससे और बेटर अप्रोच आप निकाल सकते हो कि नहीं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यार अब आते हैं अपने फॉलोअप वाले क्वेश्चन पे, और हम डिस्कस नहीं करेंगे प्रॉपरली, इसको सॉल्व भी करके दिखा देंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला फॉलोअप में, कि भाई मान लेते हैं बहुत सारा ऐसा आपको दे दिया, बहुत सारा, लॉट ऑफ एस, एस वन, एस टू, एस थ्री, एस के तक बहुत सारे एस दे रहे हैं, जहाँ के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 29 है, मतलब 10^9 है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा आपको मिलने वाला है। तो हर बार आप वो वाला एल्गोरिथम तो नहीं लगाओगे जो मैंने अभी ऊपर लगाया था, है ना, काफ़ी ये हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक नया अप्रोच सोचा। देखो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। देखो एस तो बहुत सारे आएंगे, मान लेते हैं ये एस वन है, फिर आएगा एस टू एंड सो वन, ठीक है। तो टी तो फिक्स है ना, मुझे हर किसी को टी पे ही चेक करना है। तो मैंने क्या किया ना, टी के जो भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनको ना मैंने मैप में डाल दिया, ठीक है। देखो कैसे, पहले तो यहाँ पर बना देता हूँ कि ये मैप किस चीज़ का है। ये मैप है आपका कि कौन सा कैरेक्टर है किस में, टी में, ठीक है, और किस किस इंडेक्स में प्रेजेंट है, इंडाइसेस, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं, ये ए है, ठीक है, ए है, एच है, फिर दोबारा ए है, फिर बी है, जी है, डी है, सी है। तो देखते हैं ए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए है मेरा 0 और 2 में प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद देखते हैं एच, एच सिर्फ 1 में प्रेजेंट है। उसके बाद बी जो है वो 3 में प्रेजेंट है, ये 4 में प्रेजेंट है, ये 5 में प्रेजेंट है, और ये 6 में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसको समझने की कोशिश करो, मान लेते हैं ये ए है, ए मुझे 0th इंडेक्स पर मिला, ओके। अब जो दूसरा ए है, ऑब्वियस ही बात है, मैं चाहूँगा ना कि दूसरा ए मुझे कहाँ पर मिले, लास्ट कैरेक्टर कौन से इंडेक्स से लिया था, 0th इंडेक्स से लिया था। तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर मुझे एस का चाहिए, वो इस 0 के बाद वाले में चाहिए, है ना, 0 से पहले में तो नहीं चाहिए होगा ना, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो वही पर, वही दिमाग यहाँ पर लगाएंगे। देखो ध्यान दो, पूरा ड्राई रन पर अच्छे से ध्यान देना। मैं अभी यहाँ पर हूँ, मुझे ए मिला, तो सबसे पहले तो ये देख लो कि भाई ए प्रेजेंट है, यस, हमारे मैप में मैं डायरेक्टली चेक कर लूँगा कि ए प्रेजेंट है, ठीक है। ए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है देख लेते हैं, इंडेक्स नंबर 0 पर प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 2 पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने 0th इंडेक्स वाले ए को उठा लिया, मतलब ये अभी ले लिया मैंने, ठीक है, ये ए और ये ए मैच कर गया है, मिल गया है मुझे, तो वी आर हैप्पी, ओके। अब देखो जब दोबारा आई यहाँ पर आया, फिर से ए मुझे मिला,
तो क्या ए प्रेजेंट है? यस ए तो प्रेजेंट है. ए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? जीरो और टू में प्रेजेंट है. बट याद करो मैंने जीरोथ इंडेक्स वाला, जीरोथ इंडेक्स वाला कैरेक्टर ले रखा है. तो अब मुझे नेक्स्ट जो भी कैरेक्टर लेना होगा, नेक्स्ट जो भी कैरेक्टर लेना होगा, इस जीरोथ इंडेक्स के बाद आने चाहिए ना वो. यानी कि इसको मैं नहीं ले सकता ना, इस ए को. मुझे बाद में कोई ए मिले तो वो लूँगा, राइट? तो मैं ना यहाँ पर प्रीवियस इंडेक्स नाम का वेरिएबल रख लूँगा कि प्रीवियस मैंने कौन से इंडेक्स का एलिमेंट उठाया था, टी से. याद करो जीरोथ इंडेक्स, ये रहा जीरोथ इंडेक्स उठाया था, ठीक है? तो मैं ना अभी पता क्या देखूँगा कि ठीक है मुझे ए चाहिए ना, मैं देखूँगा कि प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा कौन सा इंडेक्स है. यहाँ पर ज़ीरो के बाद बड़ा कौन सा? टू है. तो मैं टू वाले कैरेक्टर को लूँगा. तो देखो ये टू में ए प्रेजेंट है, इसको लिया मैंने, ये और ये मैच कर गया, ठीक है? अब मैंने प्रीवियस इंडेक्स को चेंज कर दिया कि भाई लास्ट जो मैंने इंडेक्स लिया है टी से, वो इंडेक्स नंबर टू से उठाया है. तो अब जो भी कैरेक्टर लूँगा फ्यूचर में, वो टू के से बड़ा ही इंडेक्स में होना चाहिए, राइट? आगे होना चाहिए, पीछे थोड़ी हो सकता है, ठीक है? बढ़िया. अब आई मेरा यहाँ पर आया, मुझे बी मिला. तो सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा कि भाई बी प्रेजेंट है भी कि नहीं मेरे टी में. तो मैप से चेक कर सकता हूँ इजीली, बी है क्या? यस बी है, बी है. कौन से इंडेक्स में है? थर्ड इंडेक्स में. देख लेते हैं ना, प्रीवियस इंडेक्स टू से उठाया भाई आपने, ठीक है? बी जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट है टू से बड़ा होना चाहिए, इंडेक्स टू से बड़ा होना चाहिए, उसी को मैं उठा सकता हूँ. यस इंडेक्स टू से बड़ा देखो थ्री है ना, तो इसको मैं चुन सकता हूँ, ठीक है? और प्रीवियस इंडेक्स फिर अब अपडेट करके थ्री कर दिया कि लास्ट इंडेक्स मैंने टी से थर्ड इंडेक्स वाला बंदा उठाया है. तो ये बी और ये बी मैच कर गया. अब आई आगे बढ़ा, सी मिला मुझे, ठीक है? तो पहले तो ये देख लो सी प्रेजेंट है भी कि नहीं टी में. डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो कैसे? इस मैप से, ओ ऑफ वन टाइम में. यस सी प्रेजेंट है, ठीक है? इंडेक्स नंबर सिक्स पर प्रेजेंट है. तो प्रीवियस इंडेक्स कौन सा लिया था? तीन लिया था. तीन से बड़ा होना चाहिए. यस तीन से बड़ा है, मतलब इस सी को मैं ले सकता हूँ, है ना? ये रहा बी के बाद आ रहा है ना, तीन से बड़ा है इंडेक्स है इसका, छः. तो ये सी और सी मैच कर गया, ठीक है? फिर आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, दैट्स इट, ठीक है? आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमें सारे के सारे कैरेक्टर मिल गए, तो हम रिटर्न ट्रू कर जाएंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर बाइनरी सर्च किधर था? तो बाइनरी सर्च मैं आपको दिखा देता हूँ. याद करो जब आपने पहली बार ए को ढूंढने की कोशिश की थी तो 0.2 पर प्रेजेंट था ए, राइट? ये रहा यहाँ पर मैप में प्रेजेंट है, ठीक है? तो ऑब्वियस स्टार्टिंग में तो हमने किसी कैरेक्टर को नहीं लिया है टी से, राइट? तो प्रीवियस की वैल्यू मैं क्या रखूँगा? -1 रखूँगा, ठीक है? तो ठीक है मैंने इसको ले लिया था, -1 से बड़ा है क्योंकि, तो प्रीवियस मेरा क्या हो गया? 0 हो गया. अब जब दोबारा ए आया था, ठीक है, तो मैंने क्या किया था? यहाँ पर ढूंढने की किसको कोशिश की थी? 0 से जस्ट बड़ा इंडेक्स मुझे चाहिए, वो वाला ए चाहिए. तो उसके लिए आप अपर बाउंड लगा दो ना, अपर बाउंड या तो बाइनरी सर्च से निकाल लो, ठीक है? मान लेते हैं ऐसा रहता, ए जो है 0 और 2 है यहाँ पर, मान लेते हैं 0, 2 और 4 में भी या तो 7 इंडेक्स में ही पड़ा रहता, प्रेजेंट होता, ठीक है? तो आपको 0 से जस्ट बड़ा चाहिए, तो आप बाइनरी सर्च लगा लो, या तो डायरेक्टली आप अपर बाउंड भी लगा सकते हो, है ना? अपर बाउंड इंटरनली बाइनरी सर्च ही यूज़ करता है. तो मैं अपर बाउंड लगा लूँगा, ठीक है? यहाँ पर इस पूरे एरे में अपर बाउंड लगा लूँगा, ठीक है? मान लेते उसका वैक है, उसका नाम वैक डॉट बिगिन, वैक डॉट एंड. और अपर बाउंड किसका, किसके रिस्पेक्ट में लगाना? इस प्रीवियस के रिस्पेक्ट में लगाना, मतलब इस प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा चाहिए मुझे. तो यहाँ प्रीवियस लिख दिया मैंने, ठीक है? तो 0 से बड़ा कौन सा पहला एलिमेंट मिला? 2 मिला मुझे, ठीक है? तो 2 मेरा आंसर होगा इंडेक्स, है ना? तो प्रीवियस अब मेरा 2 हो जाएगा. तो यहाँ पर बाइनरी सर्च लगा है, ठीक है? बहुत सिंपल है, ओके? अब एक छोटा सा केस ले लो जहाँ पर हमारा सबसीक्वेंस एस जो है वो टी का नहीं है, ठीक है? उसको भी देख लेते हैं. तो ये देखो मैंने ये एग्जांपल 2 लिया है. इसमें क्या है ना, एस जो है सबसीक्वेंस नहीं है टी का, एस जो है प्रेजेंट नहीं है टी में, ठीक है? अब देखो ध्यान दो, मैंने मैप भी बना दिया है टी का, ठीक है? टी के सारे कैरेक्टर उनकी मैपिंग कर दी है. तो ठीक है, अभी प्रीवियस मेरा स्टार्टिंग में -1 होगा क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी कैरेक्टर नहीं लिया है टी से. पहला कैरेक्टर ए मिला मुझे, ठीक है? तो मैं देखता हूँ ए प्रेजेंट है. यस ए प्रेजेंट नहीं होता तो उसी वक्त फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, बट ए प्रेजेंट है, है ना? इंडेक्स नंबर 0 पर प्रेजेंट है. तो मैं देखता हूँ प्रीवियस -1 है ना, तो अपर बाउंड लगा के -1 से जस्ट बड़ा इंडेक्स यहाँ से ढूंढ लूँगा, इस वेक्टर से. मिल गया 0, है ना? 0 मिल गया है. तो प्रीवियस को अपडेट कर देते हैं, 0 से अपडेट कर देते हैं, ठीक है? कि प्रीवियसली मैंने 0th कैरेक्टर लिया है टी का, ये मैच कर गया आई. अब दोबारा ए मिला, ठीक है? दोबारा ए मिला. अब देखो वापस से मैं ए पर ढूंढने गया, मैं बोल रहा हूँ कि भाई 0 प्रीवियस से बड़ा इंडेक्स चाहिए,
यहाँ तो है ही नहीं, है ना, यहाँ तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इधर से ही रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब कोड लिखेंगे तो उधर ही मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, जल्दी से कोड करते हैं। और जो स्टोरी सुनाई है ना लाइन बाय लाइन, मैप बनाया, फिर यहाँ आईथ इंडेक्स एक एक करके आगे बढ़ रहा है, फिर अपर बाउंड निकल रहा है, सब कुछ स्टोरी वहाँ पर क्लियर होगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो चलो कोड स्टार्ट करते हैं। तो चलो कोड करते हैं अपने फॉलो अप क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले एम रन तो निकाल ही दिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बोला था ना कि मैं एक मैप ले लूँगा। ठीक है, एम मैप इंट कॉमा, सॉरी इंटीजर नहीं, कैरेक्टर कॉमा वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, मैप ले लिया, अब स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, एन क्या है, टी का लेंथ है ना। ठीक है, कैर सॉरी डायरेक्टली मैप में डाल देते हैं, एम पी ऑफ टी ऑफ आई डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है, आई पर प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने क्या किया, हर कैरेक्टर को मैप में डाल दिया और वो किस किस इंडेक्स में प्रेजेंट है वो भी डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने कोई भी करेक्टर नहीं लिया है अभी, तो माइनस वन है प्रीवियस इंडेक्स। ठीक है, टी का कोई भी करेक्टर नहीं लिया अभी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन एम आई प्लस प्लस। ठीक है, कौन सा करेक्टर है, कैर सी एच एस का आई एथ करेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर ले लिया। ओके, अब देखो अगर मैप में वो है ही नहीं, वो करेक्टर इज इक्वल टू एम पी डॉट एंड हो गया। ठीक है, तब तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है तब तो फॉल्स होगा, राइट? अगर प्रेजेंट है तो चलो कौन कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है वो निकाल लेते हैं, इंडिसेस। ठीक है, एम पी ऑफ सी एच सारे इंडेक्सेस निकल गए जहाँ जहाँ पर प्रेजेंट है, और वो इस वेक्टर में मैंने स्टोर कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो मैं अपर बाउंड लगा के निकाल रहा हूँ, अपर बाउंड बिगिन ऑफ इंडिसेस, इस इंडिसेस में अपर बाउंड लगा रहा हूँ, एंड ऑफ इंडिसेस। किससे बड़ा एलिमेंट चाहिए, जो प्रीवियस इंडेक्स मैंने उठाया टी से उससे बड़ा इंडेक्स पे चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं मिल पाया, आई टी इज इक्वल टू इंडिसेस डॉट एंड हो गया, तब तो रिटर्न फॉल्स कर दो, मतलब मुझे नहीं मिल पाया उससे बड़े इंडेक्स में कोई भी वो कैरेक्टर, मुझे नहीं मिल पाया। ठीक है, अब अगर मिल पाया तब तो अच्छी बात है, तो प्रीवियस को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, एस्ट्रिस्क ऑफ आई टी करोगे तो जो भी इंडेक्स है ना आई टी में वो मुझे मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बढ़िया, अब लास्ट में क्या करूँगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा। रिटर्न ट्रू क्यों किया, क्योंकि कोई भी ऐसा केस नहीं मिला होगा मुझे, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न नहीं किया होगा, यदि यहाँ पर फॉल्स नहीं रिटर्न किया होगा, मतलब सारे कैरेक्टर्स मुझे पक्का से पक्का मिल गए होंगे, तो लास्ट में मैं यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, यहाँ पर ओ ऑफ एम लग रहा है लेकिन अंदर लॉग ऑफ, देखो लॉग ऑफ एन लग रहा है, वर्स्ट केस में इसको लॉग ऑफ एन मान लो, है ना, बाइनरी सर्च यहाँ पर लग रहा है मान लेते हैं तो। और यहाँ पर क्या है, ओ ऑफ एम है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, टोटल ओ ऑफ एम इंटू लॉग ऑफ एन। ठीक है, ये तो बड़ा टेस्ट केस में ही ये बेटर सोल्यूशन है, ये तो छोटा टेस्ट केस था, इसमें सिर्फ एक ही एस था, बट मल्टीपल ऐसा होंगे ना तो ये बेटर अप्रोच होगा हमारा। ठीक है, रन करके देखते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग दिस अप्रोच ऑल्सो, इंडीड यस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। और याद रखना ये जो अप्रोच मैंने सिखाया है ना, ये लीड कोड नंबर 792, ठीक है, लीड कोड नंबर 792 आपको बन जाएगा इस अप्रोच से भी, तो ये अप्रोच इंपॉर्टेंट था सीखने के लिए। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।